अनिल जी, जो 10 की कमाई का स्टॉक है वो बीएलएस इंटरनेशनल है। आज आपने बीएलएस ई सर्विसेज को सब्सक्राइब करने का व्यू दिया था। ठीक है, इस कंपनी में कंपनी पोस्ट लिस्टिंग करीबन 68% होल्ड करेगी, लेकिन जो कोर बिजनेस है, मुझे लग रहा है कि हॉस्पिटैलिटी और जो फॉरेन ट्रैवल है वो एक ट्रेंड काफी जोर से पकड़ा है। मेरे ख्याल से दिसंबर के क्वार्टर के नंबर्स अभी भी बीएलएस इंटरनेशनल के आने बाकी है, लेकिन काफी दमदार आने की उम्मीद है। इस साल हमको लग रहा है कि कंपनी कम से कम 300 करोड़ का मुनाफा कमाएगी। और सबसे बड़ी बात, अभी टर्की में जो इन्होंने एक नया बिजनेस खरीदा है, इसका भी रेवेन्यू पोटेंशियल जो है वो काफी सिग्निफिकेंट है। मेरे ख्याल से अगले साल दैट इज FY 25 में ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि कम से कम 450-460 का एक नियर टर्म का टारगेट बीएलएस इंटरनेशनल के लिए बनता है। करीबन 104-108 का अभी प्राइस चल रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अभी भी काफी अच्छा है। तो ये मेरी तरफ से 10 की कमाई। बीएलएस यहाँ पर करें आप खरीदारी, बीएलएस ई सर्विसेज का आईपीओ आज से खुल रहा है और बीएलएस इंटरनेशनल यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। अनिल जी तो ऑफकोर्स लंबे समय से रेडार पर रहा है, रिकमेंड भी कई बार किया गया है, बढ़िया मल्टी बैगर गेंस इसने दिए हैं और अविनाश जी का भी भरोसा है 450-460 के लेवल।